बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ये कामयाबी होगी। इसके अलावा खसरा के अलावा एक अच्छी खबर ये थी कि हमारे लिए कि साल हो चुका है और एक पोलियो का कोई केस जो है मुल्क भर से रिपोर्ट हुआ है, तो EBI रूटीन कवरेज भी 100% रही है। इस हवाले से आप जो आपकी ग्राउंड रियलिटी पे आपके वर्कर जो फाइटर लड़ रहे हैं पोलियो के खिलाफ, उनके लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोलियो वर्कर्स को तो मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कौम जितनी भी सलाम पेश करें ना, शायद वो क्रेडिट उनके लिए कम होगा। बड़ा मिनिमल वेज पे, आप जो थे बड़ी कम से कम उजरत पे, वो जिन एरियाज में काम कर रहे हैं ना, वो चाहे अभी सर्दियां भी आ रही हैं, अब दिसंबर का कैंपेन अभी आप देखोगे, आपका मलाकंड डिवीजन KP का जो बर्फ़ से भरा होगा, आपका क्वेटा, ये लोग आप इसको बर्फ़ में भी आपको चलते नज़र आएंगे कि जिस अंदाज़ में ये घरों तक पहुँच रहे हैं। आप जुलाई में कभी जाएँ और जुलाई और अगस्त में आप कैंपेन देख लें कि जी साउथ पंजाब, साउथ KP, नॉर्थ सिंध, जहाँ पे टेम्परेचर 50, 51, 49 पे चलता है, उस गर्मियों में भी चलते हैं, ये सहरा में भी चलते हैं, ये पहाड़ों में भी चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कर रहे हैं ना, तो उसके मुकाबले में तो अभी अगर जो उजरत है, अगर इसको मैं डबल ट्रिपल भी कर लूँ, तो उनकी वो कारकर्दगी और उनकी जो जरूरत है, वो इसकी वो नमल बदल नहीं हो सकता। हाँ, यह है कि कौम पे, इस नेशन पे, इस कंट्री पे उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है, तो उनको हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिस लेवल तक हो सकते हैं हम उनको सपोर्ट भी उसमें करते हैं कि जी। तो पोलियो वर्कर, तो उसके साथ जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिस तरह उनको सपोर्ट कर रही हैं ऑन ग्राउंड, तो ये उन्हीं की काविश है कि जी गुज़श्ता एक साल से सिर्फ जनवरी में आखिरी हमारा केस आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सितंबर के बाद हमारे जितने सीवेज के नमूने हैं, जो हमारे पानी के नमूने हम कोई 67 जगहों से पाकिस्तान से लेते हैं, वो भी सारे के सारे पोलियो वायरस से नेगेटिव आ रहे हैं। तो वी आर जस्ट अ मंथ आर टू अभी हम हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जनवरी में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, एक साल हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जी मैं इन वर्कर्स का, इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ, और ये सिर्फ मैं नहीं, आप मेरी जगह पे किसी भी पोलियो के मिनिस्ट्री के किसी पॉलिटिशियन के, अब जिससे भी ये पूछोगे ना, वो आपको अप्रिशिएट करता ही नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह ये मेरी जानिब से भी, मिनिस्ट्री की जानिब अश्योरिटी है कि जी इनका ये सक्सेस, इसका ये मतलब नहीं कि पोलियो इरेडिकेट हो जाएगा तो ये लोग ज़ाया जाएंगे। अब ये देखें, हमारी MR की कैंपेन है, उसमें यही लोगों को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सोशल मोबिलाइज़र, जो पोलियो वर्कर्स जो हमारी टीमें थी द सेम। उसके बाद हमारी मजीद, तो ये लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि जी पोलियो ख़त्म हो जाएगा तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे, नहीं, ये गवर्नमेंट का प्लान है कि डेंगू हमारे पास एंडेमिक है, इन्हीं चीज़ों को अब ये लेके आगे जाएंगे, और इनकी ज़रूरत हमें हर इसी तरह की पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के लिए पड़ेगी, और इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि यही हमारे वर्कर्स होंगे उससे में। थैंक यू सो मच।